टीचर अपनी क्लास के बच्चों को लेसन पढ़ा रहे थे, तो उनमें से एक स्टूडेंट को उन्होंने लेसन दिया जो एक शहजादा था। उन्होंने इसको कहा, दो लाइनें थी, उसे कहा झूठ नहीं बोलना और गुस्सा नहीं करना। उन्होंने इसको कहा ये लाइनें मैं तुमसे कल सुनूंगा। अगले दिन उन्होंने कहा लेसन सुनाओ, तो वो कहता याद नहीं हुआ। दूसरे दिन वो फिर उन्होंने उससे कहा लेसन सुनाओ, याद हो गया? वो कहता नहीं, मुझे नहीं लेसन याद हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर शहजादे को कहा कि लेसन सुनाओ, तो शहजादा कहता है मुझे नहीं लेसन याद हुआ। वो ये बात जानते थे कि वो एक शहजादा है, ये बात जानने के बावजूद टीचर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके फेस में मारा और उसे कहते तीन दिन हो गए हैं मैं तुम्हें रोज कह रहा हूँ कि लेसन सुनाओ और तुम कहते हो तुम्हें लेसन ही नहीं याद हो, दो तो लाइनें हैं वो भी तुमसे याद नहीं हुई। उसने कहा सर आपकी दी हुई एक लाइन तो मुझे याद हो गई कि झूठ ना बोलना, और अगर मुझे, मैं इतने दिनों से ये सोच रहा था कि मुझे आपकी दूसरी लाइन भी याद हुई या नहीं, मैं हर रोज गौर कर रहा था कि मुझे आपकी दूसरी लाइन याद हो गई या नहीं। इतने दिनों से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे वो लाइन भी याद हो गई है या नहीं। कहता आज जब आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने महसूस किया कि मुझे गुस्सा नहीं आया, तो आज मुझे आपका दूसरा लेसन भी याद हो गया। टीचर बहुत हैरान हुआ कि थप्पड़ खाने के बाद इसको दोनों लेसन याद हो गए। उसने कहा कि आपने मुझे कहा था झूठ नहीं बोलना, तो मैंने ये बात तो उसी दिन सीख ली और मैंने ये बात हमें उसी दिन याद कर ली, लेकिन दूसरी बात जो थी इस पर मैं इतने दिनों से गौर कर रहा था, लेकिन आज मुझे वो दूसरी बात भी याद हो गई है कि गुस्सा नहीं करना। सो वो कहता है कि बात ये नहीं है कि मैंने लेसन आपने पढ़ा दिया और मैंने याद कर लिया, ये सबक ये नहीं है, मैंने समझा कि सबक वो है कि जिसको मैं अमली तौर पर अपनाऊं और उस पर अमल भी करूं तो तभी मुझे सबक याद होगा। सिर्फ हम भी अक्सर यही करते हैं कि किताबों से रट्टा लगा लेते हैं, बस ठीक है पढ़ लिया और काम खत्म, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। सो अपनी जिंदगी में जो भी आप किताबों से इलम हासिल करते हैं उसको सिर्फ हासिल नहीं कर लें बल्कि उस पर अमल भी करें, उसको अपनी जिंदगी में अपनाएं ताकि आपने जो पढ़ा है वो आप में नजर भी आए कि आपने याद भी किया है। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप इस बात को जरूर समझेंगे और उसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे भी।